शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। पीवी जी, हेलो। हाँ श्रवणी। हेलो शिवांश, आप जल्दी से कॉलेज आ जाइए। क्या हुआ? वो सब छोड़िए, आप बहुत जरूरी काम है, बस आप जल्दी आ जाइए। रोहन, नहीं करती हूँ हमसे प्यार। उसने कहा और तुमने मान लिया? तुमने नहीं देखा कि शिवांश कितना गुस्से वाला है? हमारी दीदी मरते मर जाएगी, लेकिन उफ तक नहीं करेगी। जब तक शिवांश है, तब तक ना वो कुछ समझ पाएगी और ना ही कोई फैसला ले पाएगी। अगर तुम उसे चाहते हो तो उनकी अनकही बातें भी समझो। रोहन, फिलहाल अपने बर्ताव के लिए दीदी से माफी मांग, उसका सहारा बनो, बाकी हम संभाल लेंगे। तुमने बुलाया श्रावणी? गुड मॉर्निंग मैम। जी मैम, कुछ बहुत जरूरी दिखाना है इसीलिए, और सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। आपको सबूत चाहिए था ना मैम, ये देखिए। देखो हमारा कॉलेज ऐसा है ना, जहाँ पे कैंटीन मैनेजर भी कार में आता है। सेकेंड हैंड कार के साथ रोहन का मुकाबला तो कोई हो ही नहीं सकता। डॉक्टर बीवी कहीं अपने डॉक्टर दोस्त के साथ ना भाग जाए। यहाँ पढ़ने आते हो ना, जाके पढ़ाई करो। नहीं गया तो वरना क्या करेगा, मारेगा? बोलना सेकेंड हैंड पति। देखा मैम, रोहन के नाम से हमारा नाम जोड़ा जा रहा था, उल्टी सीधी बातें कही जा रही थी हमारे बारे में। ऐसे में एक पति के लिए ये सब सुनना बहुत मुश्किल है। फिर भी शिवांश ने सुना, सब कुछ सुना। उसके बाद इसने शिवांश की गाड़ी के सारे डेकोरेशंस निकाल दिए। इतना ही नहीं, मैं शिवांश को धक्का भी दिया। इन सब के बाद शिवांश का हाथ उठा है। ये सब झूठ है मैम, ऐसा कुछ नहीं हुआ है मैम, ये सब झूठ है। ये सब झूठ है ना, हमने कुछ नहीं किया मैम। शर्म नहीं आती है सबूत सबके सामने होते हुए झूठ बोलते हुए? मैम देख लीजिए, सबूत आपके सामने है, फिर भी ये लड़का झूठ बोल रहा है। अतुल शर्मा, जो भी है सच सच बताओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैम सॉरी मैम, हम तो बस शिवांश की खिंचाई कर रहे थे मैम, और कुछ नहीं। बस वो तो मजाक था, है ना दोस्तों? मैम वापस ऐसा कभी नहीं होगा मैम, वो तो बात बात में बात बढ़ गई मैम। ये सब मस्ती मजाक है हा? एक लड़की की बदनामी करना, किसी की इंसल्ट करना मजाक है? मैम गलती हो गई मैम, प्लीज सॉरी। तुम्हारी मस्ती मजाक में इसकी जॉब चली गई, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहले तो हम तुमसे माफी मांगना चाहते हैं और पूरे मान सम्मान के साथ तुम्हारी जॉब तुम्हें वापस देना चाहते हैं। वी आर रियली सॉरी। जाओ अपनी कुर्सी संभालो। थैंक यू मैम, थैंक यू।
कंग्रेचुलेशंस। इसके भागदार आप हैं। और तुम मिस्टर अतुल शर्मा, अब से इस कॉलेज कैंपस में कदम नहीं रखोगे। यू आर रस्टिकेटेड। मैम सॉरी मैम, प्लीज मैम, हमारे घर वालों ने कर्ज लेकर हमें पढ़ने भेजा है मैम, प्लीज मैम, मैम वापस ऐसा कभी नहीं होगा मैम, प्लीज मैम। अब हम कुछ नहीं कर सकते। शिवांश, शिवांश मैं अपने घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा शिवांश, प्लीज आप मैम से बोले ना हमें कॉलेज से ना निकाले शिवांश, हमारे घर वाले टूट जाएंगे शिवांश, प्लीज हमारा करियर खत्म हो जाएगा, आप प्लीज मैम से बोले ना हमें कॉलेज से ना निकाले, प्लीज मैम से बोलिए हमें रेस्ट्रिक्ट ना करें, प्लीज सर ऐसा मत कीजिए, हमारे एडमिशन मत रोकिए सर प्लीज, हमारे माँ बाबा का सपना था कि हम डॉक्टर बने, हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ठीक है हमने तुम्हें माफ किया मैम, क्या हम इसे एक चेतावनी देके छोड़ नहीं सकते? हमारा मतलब है कि इसके साथ साथ इसके परिवार का भी सपना है, उसमें इसके परिवार का क्या दोष है, प्लीज मैम। ठीक है पर सिर्फ तुम कह रहे हो इसलिए कर रहे हैं। थैंक यू शिवांश, आप सही में बहुत अच्छे हो, हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे शिवांश, थैंक यू। कोई बात नहीं शिवांश, अपनी जिम्मेदारी संभालो, हम चलते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। अब थैंक यू से काम नहीं चलेगा मैनेजर साहब, ऐसे थोड़ी छुट्टी हो जाएगी, सबको समोसे खिलाने पड़ेंगे और वो भी खट्टी चटनी के साथ। जी बीबी जी, सबको खिलाते हैं समोसे, वो भी खट्टी चटनी के साथ, हम लाते हैं। ये लीजिए आपका समोसा खट्टी चटनी के साथ, खाइए। हमारे समोसे भी दे दो। ये लीजिए। श्रोवणि क्या हुआ? शिवांश, श्रोवणि को क्या हो रहा है? श्रोवणि, इसमें उतना ही दिखेगा ना जितना हम दिखाना चाहते हैं? हाँ मम्मी, बढ़िया एडिट करती है, बिल्कुल फिकर नॉट। इसका मतलब अब श्रवणी बुरिया बिस्तरा बांध कर रवाना हो जाएगी, उसके बाद शिवांश के आंसू हम ही पोंछेंगे। आपका शुभचिंतक। श्रवणी तुम तो गई। हमने सुबह से नाश्ता नहीं किया था ना, इसलिए शायद चक्कर आ गया। अरे यू आर एब्सोल्युटली फाइन, बधाई हो, घर में नन्ना मुन्ना आने वाला है, कंग्रेट्स। सच में डॉक्टर? या यू आर प्रेग्नेंट, आप मां बनने वाली हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, अब समोसे से काम नहीं चलेगा, मिठाई खिलानी पड़ेगी। हाँ, मिठाई खिलानी पड़ेगी। इसका क्या करें मम्मी? नानी, नानी,
अरे देखो तो कौन आया है, आपके लाडले दामाद जी। ओ नानी। दामाद जी आप? अरे पाए लगे नानी, पाए लगे। खुश हो? खुश हो नानी, आपको देखे मन प्रसन्न हुआ। अरे मामी। अरे अरे बस। पाए लगे, पाए लगे। देवी के दर्शन कैसे हुए? अरे बहुत अद्भुत, बहुत बढ़िया। प्रसाद लाए आपके लिए। दरवाजे पे खिलाओगे क्या? चलो चलो अंदर चलो। चलिए आप लोग चल के बैठिए, हम पानी लेके आ रहे हैं। चल चल चल। स्वीटी ये लिफाफा दरवाजे पे रख दे। पर दरवाजे पर कोई और उठा के ले गया तो? हम जो कह रहे हैं करो और आगे तमाशा देखो। ठीक है। नानी अपने घर आके बहुत अच्छा लग रहा है। हाय नानी, नानी प्रसाद खा लो। प्रसाद लीजिए, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। अरे पानी रख दीजिए मामी, प्रसाद लीजिए पहले तो। ये लीजिए लीजिए। आपका शायद कुछ सामान वहां रह गया। हमारा सामान छूट गया है? हमारा सामान? नहीं यार नहीं, वहां वहां। क्या है हम? अरे ये क्या है? इस पर तो लिखा है आपका शुभचिंतक। अरे नानी आपके अलावा हमारा कौन शुभचिंतक है, बताइए कौन है? अरे है ये क्या है? अरे नानी ये है पेन ड्राइव। इससे क्या होता है? ये जो है ना ये टीवी या कंप्यूटर में लगता है, ये के अंदर कुछ वीडियो फोटो वोटो कुछ होता होगा। इसमें क्या है? वो तो चला के देखना ही पड़ेगा। लाइए हमें दीजिए, हम चला के देखते हैं इसमें क्या है। हाँ हाँ चलाओ चलाओ चलाओ। ये लो मिठाई खाओ। थैंक यू। अरे हमें ही मिठाई खिलाते रहोगे कि अपनी वाइफ को भी खिलाओगे? लीजिए वो मीठा कीजिए। बधाई हो आपको भी। सरहद जी से हमको ये उम्मीद तो ना थी। श्रवणी, सरहद जी के साथ ये लड़का है कौन? ये तो वही लड़का है ना? हाँ माँ जी, ये तो रोहन है। रोहन? इसके साथ तो दीदी का पहले चक्कर था, लेकिन अभी भी। ये सब क्या है?
ये वीडियो किसने भेजी है? वसुधा जी, असल बात तो ये है कि श्रवणी उस लड़के से मिलने का है गई थी जब अम्मा जी ने मना किया था। अम्मा, अरे अम्मा, अम्मा 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 अम्मा, खुशखबरी अम्मा, खुशखबरी, अरे खुशियां मनाओ मेरी प्यारी अम्मा। अम्मा, अब तो आपकी मनोती पूरी हो गई, सोने की सीढ़ी बनेगी आप, ये लीजिए चटाई खाइए। अम्मा, परदादी बनने वाली है आप। अरे मिठाई खाइए, अरे खाइए ना माँ। अम्मा, क्या हुआ? किस बात की खुशी मनाए? पहले ही से पूछो कि बच्चा किसका है। अम्मा, चिल्लाओ मत। वो क्या रिमोट दे दो, पहले ये देखो। ये देख तमाशा क्या हो रहा है। दुल्हन से क्या है ये सब? श्रवणी, आप रोहन से मिलने गई थी? शुभांश, आप सब लोग जैसा सोच रहे वैसा कुछ भी नहीं है। ये वीडियो जिस तरह, लेकिन क्यों? शिवांश, हम पर विश्वास कीजिए, हम आपके लिए ही गए थे। क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या सवाल जवाब कर रहे हैं आप लोग उससे? वो माँ बनने वाली है, उसकी बेचारी की हालत तो देखिए। आप लोगों को उसकी देखभाल करनी चाहिए, ना कि सवाल उठाने चाहिए। पहले ये तो साबित करे कि ये बच्चा इस खानदान का है या नहीं। अगर है तो 9 महीने रख लेंगे इसे। एहसान नहीं करेंगे आप लोग उसे रखकर, और इतना बड़ा सवाल एक रिकॉर्डिंग के दम पर। हाँ मानते हैं कि वो रिकॉर्डिंग है, लेकिन जरूरी थोड़ी ना कि वो रिकॉर्डिंग सही हो। और श्रवणी ने पहले ही बोला है कि वो उसका दोस्त है। हाँ दोनों पास पास नजर आ रहे हैं, पर जरूरी थोड़ी ना कि कुछ हो। वो बोल चुकी है कि वो सिर्फ दोस्त है, और आजकल दोस्तों में तो ऐसे चलता है। खून खौल रहा है हमारा, और उसके कोक में आपका खून पल रहा है। कोई बात नहीं, ये बात खत्म करते हैं। श्रवणी, तुम तो डॉक्टर हो ना, वो का टेस्ट वगैरह करते हैं असली पिता के बारे में जानने के लिए, वो करके इन सब का मुंह बंद कर दो। चंद्रा जी, हमारा खानदान शरीफों का खानदान है। यहां एक मां से यह सब साबित करने के लिए नहीं कहा जाता।
और आपके शरीफ खानदान में बहुओं के ऊपर लांछन लगाए जाते हैं। शरीफ घर की दुल्हन गैर आदमी के घर कभी नहीं जाती। बड़की ठकुराइन ठीक कह रही है, तुम्हें अपनी पवित्रता साबित करनी होगी। हमें सबूत चाहिए, तुम्हारे कोख में हमारे ही खानदान का खून है। तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी होगी दुल्हन। उसे अग्नि परीक्षा लेंगे? हम तो बस ऐसी तुक्का फेंके थे ये सोच के कि आप सब लोगों को शर्मिंदगी होगी, लेकिन नहीं, आप हमारी बात मान गई। यही हमारा फैसला है, दुल्हन को अग्नि परीक्षा देनी होगी। अम्मा, ये आप क्या बोल रही है? अब हमें ये साबित करना पड़ेगा कि हमारे कोख में जो बच्चा है वो हमारे ही पति का है। बोलिए ना अम्मा। हाँ, हम चाहते हैं श्रवणी को बचपन से, पर वो हमें। चलो दुल्हन, अब तुम इस घर में रहने लायक नहीं हो। अम्मा छोड़िए, अम्मा अम्मा छोड़िए, हमारा निकलो यहाँ से। तुम्हें तो आज हम जान से मार देंगे, हमारी बीवी का नाम लेते। आपकी अपनी श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।